नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। यूपी में कावड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा, इस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, आरएलडी, चिराग व विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सब चीज में वोट देखा जाएगा तो फिर शासन नहीं चलेगा। सरकार अपनी समझ से अपने आवश्यकता के अनुरूप कानून बनाती है। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊँ तो पाप। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वह सेकुलर हो गए हैं और हमें बोल दिए तो कम्युनल हो गए। कैमरे पर केंद्रीय मंत्री दस्तावेज दिखा रहे हैं कि 2006 में मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था जो 2011 में लागू हुआ था। दुकानदारों को दुकानों में अपना नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा। सभी लोगों को चुनौती देता हूं कि इस पर बहस कर लीजिए। हर मुद्दे को वोट और पार्टी की नज़र से मत देखिए। यह तो मनमोहन सिंह की सरकार का कानून है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता कैमरे पर बेगूसराय के बूथों की लिस्ट दिखा रहे हैं और बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां भी हिंदुओं का वोट कट गया। गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि झारखंड के साहिबगंज में भारतीय जनता पार्टी विधायक अनंत ओझा ने बूथ वाइज समीक्षा की, तब पता चला कि वहां हिंदुओं के वोट जितने कटे, आबादी के अनुसार मुसलमानों के वोट उतने जुटे। एक बूथ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में 672 वोट मुसलमानों के थे, 2024 में बढ़कर ये 1470 हो गया। अब समझ में आ रहा है कि प्रत्येक लोकसभा सीट से 1,00,000 वोट घिसट गया है। बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड को उन लोगों ने टारगेट में रखा है। पूरे मसले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और कार्रवाई करे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में देश में वोट जिहाद हुआ, इस कारण यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन मेरे बेगूसराय क्षेत्र से लोग फोन पर कह रहे थे कि हम लोगों का वोट काट रहा है। लोग डीएम आवास पर धरना दे रहे थे, डीएम बेबस थे। वहीं दरभंगा के विधायक संजीव सरावनी ने कहा था कि उनके बूथ पर आधे हिंदुओं का वोट कट गया है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।